मैं समस्त दरभंगा वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2023 आपके लिए मंगलमय हो, इसकी मैं कामना करता हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार में 7 जनवरी से होने जा रहा है जातिगत गणना। आपको बता दें कि जातिगत इस बार जनगणना नहीं होगा, गणना होगा। बिहार के जाति आधारित जनगणना को लेकर शनिवार को प्लस टू महंत कर्ण ज्योति उच्च विद्यालय हायाघाट में प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन वीडियो रागनी साहू ने किया। प्रशिक्षकों ने गणना हेतु प्रगणक व सुपरवाइजर को प्रशिक्षण किया है। शिक्षकों को गणना के दौरान क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया और गणना के टिप्स दिए गए। इस मौके पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों में 362 के करीब शिक्षक मौजूद रहे। प्रशिक्षण में भाग लिया। मौके पर प्रभारी सीओ अंकुर राय, बीओ कमलजीत चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी रागनी साहू, साथ में जो बीपीआरओ हैं अमित कुमार, ये सभी लोग एक्टिव हैं इस काम में। खासकर इस जब जितने भी पदाधिकारी हैं हायाघाट के, सभी लोग इसमें एक्टिव हैं कि कैसे भी इसे 7 जनवरी को लागू करना है और गांव-गांव जाकर इसका गणना करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि सबसे बड़ी जानकारी दी गई है सभी शिक्षकों को कि आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति बार बार ना गिनती हो जाए, इसका सबसे बड़ा जानकारी रखना है। साथ ही इसमें ये बोला गया है कि अगर घर घर जाते हैं तो जातिगत जनगणना नहीं बोलना है, जातिगत गणना होगा। इसको लेकर ये जानकारी श्री अंकुर राय ने दिया है। अब आपको पूरा जानकारी दे दे कि आखिरकार ये बातें कहां से उठी। वैसे तो देश में पहले से ही काफी पार्टियां मांग कर रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस समय क्या हुआ था, बता दें कि 2011 के सेंसस के बाद पार्लियामेंट पारित हुई थी तो अलग से ही सोशियो इकोनॉमिक को लेकर कास्ट सेंसस की गई थी। लेकिन इसके बाद ये बोला गया कि जाति का डेटा जिस तरह से कलेक्ट किया गया है उससे कुछ ज़्यादा ये लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। एक लेवल पर देखा जाए तो कोई भी डेटा जरूरी है यह समझने के लिए कि समाज में क्या हो रहा है, खासकर ऐसी परिस्थिति में जहां पर ओबीसी रिजर्वेशन भी है 27%, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, जिसको किसको फायदा नहीं हुआ। ये सब हम तभी जान पाएंगे जब इस तरह का सेंसस करेंगे। आइए इंटरव्यू आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार बिहार के महंत कर्ण हायाघाट जो उच्चतर जो यहाँ पर हाई स्कूल है, इसमें कैसे यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है सभी शिक्षकों को। ये हमारे सीओ हायाघाट हैं और हम लोगों के चार्ज अधिकारी हैं और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग को दरभंगा से चार्ज होके आए हैं और हमारे जो चार्ज अधिकारी हैं वो पटना से चार्ज होके आए हैं। कितना अच्छा लग रहा आपको ये सर? प्रशिक्षण में ये बता रहा है कि बिहार में पहली बार जाति गणना किया जा रहा है, पहली बार हो रहा है। इससे पहले 1934 में आज़ादी से पहले हुआ था, तो इसको समझना बड़ी कठिन है। अभी प्रशिक्षण का पहला दिन है, हम लोग को कोई किट भी उपलब्ध नहीं हुआ, तो समझने में थोड़ा आसानी नहीं है, बड़ा बारीकी से समझना पड़ रहा है। तो किट मिलेगा तो और ब्लैक बोर्ड की सहायता से जैसे बताया जा रहा है, हो सकता है कि किट मिलता तो अध्ययन करके आते और ब्लैक बोर्ड पर बताता है तो आसान होता समझने में, जो अभी समझने में कई बार पूछना पड़ता है एक बिंदु पर। तो क्या लग रहा है कि ये सक्सेस हो पाएगा जब आप लोग जाएंगे? ऐसा तो है कि अगर समझ लिए और गन्ना ब्लॉक में जाएंगे तो निश्चित रूप से सफल रहेगा, क्योंकि आज तक हम लोग जो काम किए हैं वो सफल रहा है, सरकार इस बात से करा रही है। ये हम प्राथमिक विद्यालय घोषरामा के प्रधान शिक्षक हैं और वहाँ से हम यहाँ पर शिक्षण में आए। तो आज दरभंगा जिला का स्थापना दिवस है और नया साल है कल, क्या कहेंगे, उसके शुभकामना देंगे लोगों को? दरभंगा जिला की स्थापना दिवस है तो बहुत सारा शुभकामना है पूरे जिलावासियों को, जिसमें हम भी शामिल हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। कल नया साल भी है और नया साल पर हम लोग पुराने साल में जो कुछ हुआ अच्छा खराब उसको भूल करके नए साल में अच्छे होने की कामना करते हैं, नया साल का स्वागत करते हैं, शुभकामना देते हैं। जी शुभकामना। क्या नाम हुआ? राम यतन पंडित। इसमें जब द्वितीय चरण आएगा, इसका द्वितीय चरण भी है जो अप्रैल में होगा, उस चरण में आपको सिर्फ जाति ही नहीं कुछ आर्थिक पैमानों पर भी आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। तो इससे न सिर्फ जातिगत पर आर्थिक रूप से बिहार की जो भी आबादी है उसकी जानकारी हमें मिलेगी। खैर, जैसा कि आप लोगों को पता है ये एक जनगणना नहीं है, ये गणना है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ये जनगणना नहीं है, ये गणना है। इसको जनगणना न कहके गणना कहने के पीछे 2-3 मुख्य बिंदु हैं। एक, मुझे लगता है आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो पहले जनगणना का हिस्सा रह चुके होंगे, है कोई ऐसे? ठीक। तो जैसा कि आप लोग पहले भी जनगणना से संबंधित कार्यों में अपना योगदान दे चुके हैं तो आप लोगों को जनगणना से संबंधित कार्य की जानकारी है किस प्रकार।
वो आपको जब मास्टर ट्रेनर बताएंगे तो आप में हम मकानों की सूची तैयार करेंगे और उस मकानों में रहने वाले परिवारों की भी एक तरह से सूची तैयार होगी। ठीक, तो जब हम मकान की सूची तैयार करेंगे, कहीं भी आप वैसे भी सोचिए, तो मकान की सूची तैयार करने के लिए सबसे अहम और पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप यही होगा कि हमें कहां पर वो मकान सूची तैयार करनी है, किस एरिया की मकान सूची तैयार करनी है। ठीक, इसीलिए प्रथम जो इसमें स्टेप है, पहले चरण में जो पहला स्टेप हमारा यही था कि जो भी एरिया में हमको करना है उस एरिया को चिन्हित किया जाए। ये उस प्रथम चरण का पहला स्टेप है, मकान सूचीकरण चरण का पहला स्टेप यही है कि हमें जो भी हमारा सीमा है, जिस सीमा के अंदर हमको ये काम करना है, उसको चिन्हित करना आवश्यक है। जब हम सीमा सुनिश्चित कर लेंगे, तो हम सीमा कैसे सुनिश्चित करेंगे? सीमा सुनिश्चित करने के लिए ही प्रगणक और पर्यवेक्षक का काम सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सीमा अगर हम सिर्फ पेपर पर बांटने जाएंगे, मैं अगर कह दूं कि जितने वार्ड हैं हमारे, उतने वार्ड को हमने बांट दिया 700 की आबादी के आधार पर, किसी वार्ड में मान लीजिए 700 से ज्यादा की आबादी है तो हमने उसको एक से ज्यादा भाग में बांट दिया गणना करने के लिए, ये पेपर पर तो उचित है, पर वास्तविक रूप में जब आप लोग जमीन पर जाएंगे, उस वार्ड के अंदर घुसेंगे, तब जब तक आपको उसकी चौहद्दी एकदम क्लियर स्पष्ट नहीं होगी, ऐसा होने का बहुत ज्यादा चांस है कि दो प्रगणक एक ही जगह एक ही एरिया को दोबारा काउंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका चांस है। तो इस पूरे कार्यक्रम में, जो प्रथम चरण का कार्यक्रम है, सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कि जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो यही है कि एक ही घर एक ही एरिया दोबारा काउंट ना हो। ये न्यू कमर्स होंगे तो इसको और ब्रेन से दोनों नाम अलग है, वो जनगणना और यह गणना है, जातिगत गणना है 2022। कभी भी जनगणना इंग्लिश में दोनों सेम है, लेकिन हिंदी में जनगणना कहीं नहीं बोलना है, गणना जातिगत गणना बोलना है सबको, जनगणना का कहीं कोई शब्द का उपयोग नहीं करना ताकि लोग भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ जाए। और जो गाइडलाइन है उसको विस्तृत केवल फॉर्म भरना ही नहीं, जो मोटा मोटी गाइडलाइन है वो अभी समझा दीजिए किस तरह से इधर से प्रारंभ करने की बात बताएं। तो सारा कुछ उसी ढंग से, और सबसे बड़ी बात है इसमें सुपरवाइजर का अलग दिलवा रहे हैं, ठीक है, सभी प्रगणक एक इसमें पंचायत से बाहर नहीं है, जो है पंचायत वार्ड नहीं तोड़ा गया है, एक वार्ड को दूसरे में समाहित नहीं किया गया है और पंचायत को भी दूसरे पंचायत में नहीं मिलाया गया है, यह परिशीलन हमेशा ख्याल रखना है। आप लोग को नदी नक्शा का जो फॉर्मेट मिला एकदम ख्याल करेंगे कि सभी प्रगणक कोशिश करें कि एक जगह कहीं पर बैठ के जब टेबल वर्क करने लगे तो सुपरवाइजर के साथ टेबल वर्क आप रख बना लें, फोटो कॉपी उसका 2-3 आप करके रख लेंगे प्लेन, ताकि सुधार करने का आपको मौका मिले। तो जो नजरी नक्शा बनाना है उसको रफ कागज पर पहले आप बना लेंगे और एक बार चारों पांचों जब जितने भी प्रगणक है एक पंचायत में सुपरवाइजर आपके बैठेंगे तो एक साथ बैठ जाएंगे प्रत्यक्षक, ताकि कोई भी एरिया छूटे नहीं। बिल्कुल, कोई सरकारी मार्ग है कि रोड है, गली है, नाली है, नदियां है, कोई सरकारी विद्यालय है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चलिए ठीक है, वह चौहद्दी जो आप बनाएंगे तो यह पहले कर लेना है, ताकि अगर सरकारी नहीं भी होगा तो कोई वैसे लोग होंगे जिसको ज्यादा लोग जानते हो तो उनका मकान आप दे सकते, क्योंकि हर जगह हर वार्ड में नहीं मिलेगा, हर वार्ड के चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आपको वह नहीं मिलेगा कि कोई सरकारी लैंडमार्क या कोई ऐसा मंदिर मस्जिद मिल जाए। प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें कौन से स्कूल के शिक्षक ले रहे हैं भाग और कितने शिक्षक कुल हैं इसमें? 365 कुल शिक्षक हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल, मध्य स्कूल, हाई स्कूल, मदरसा, संस्कृत, सभी स्कूल के शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं आज के प्रशिक्षण। तो आज का प्रशिक्षण क्या चीज़ को लेकर बुलाया गया है? जनगणना जो जाति जनगणना जो होना है तो उसी से संबंधित है सर। तो आज एक ही दिन का प्रशिक्षण होगा या एक ही दिन का है? एक ही दिन का। और ये स्टार्ट कब से होना है? 7 मतलब जनवरी से। अच्छा, 7 जनवरी से हो जाएगा। तो इन सभी शिक्षकों का यही ड्यूटी रहेगा कि वो वार्ड वार्ड जाएंगे और घर घर घूम करके जनगणना करेंगे। इस घर में कितने में आज के प्रशिक्षण में कितने पर्यवेक्षक को लगाया गया है? 8 पर्यवेक्षक को लगाया गया है इसमें जी। 8 कमरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कहाँ से लेकर के आए थे प्रशिक्षण? ये सब पटना में ही दिया गया। अच्छा, पटना में दिया गया। सर, आज दरभंगा जिला का स्थापना दिवस है और कल नया साल है, क्या शुभकामना देंगे लोगों को? सभी शांति और सौहार्दपूर्ण से अपना रहे और सभी का मंगलमय नए साल में मंगलकामना करता हूँ। आज जिला का स्थापना भी दिवस है सर, क्या शुभकामना देंगे लोगों को स्थापना दिवस पर? जिला का स्थापना दिवस है, इसमें भी सभी को शुभकामना दे रहे हैं कि सभी सुखमय और मंगलमय जीवन
शैक्षणिक संस्था जो भी है शिक्षण संस्था है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारे शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास। आपका नाम सर? कमलजीत चौधरी। आप यहाँ के कौन है? बीओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। जी क्या हो रहा है? ये बिहार जाति आधारित गणना जो शुरू होने वाला है 7/1/2023 से, उसमें जो हमारे योद्धा हैं इस कार्य करने के लिए प्रगणक के रूप में और पर्यवेक्षक के रूप में, उनकी आज प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनको मकान सूचीकरण पहला क्रम है। पहला प्रशिक्षण है या? ये पहला प्रशिक्षण है। इसमें मकान सूचीकरण की जानकारी लोगों को दिया जाएगा, जो मकान सूचीकरण कैसे लोगों को करना है, किस आवास को करना है, जिसको हम इस पर श्याम पट पर दर्शाए, इसके माध्यम से इन लोगों को जो है सो जानकारी लेकर के फिर ये लोग फील्ड में जाएंगे 7/1 से और अपने कार्यक्रम को इन लोग रखेंगे। कॉलम क्या क्या रहेगा? जैसे इसमें कॉलम है क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा हो, परिवार संख्या, मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार की क्रम संख्या, दौरे की तिथि और मुखिया का हस्ताक्षर, ये कॉलम है इसमें। और इसी सारे कॉलम को इसमें पूरा डिटेल्स भरना है। तो क्या जातिगत जनगणना जो है इसका नाम जो है तो क्या जाति पूछा जाएगा या क्या मतलब? जी नहीं, अभी जो प्रथम फेज जो है, प्रथम चरण में जो कार्यक्रम होगा उसमें सिर्फ मकानों की गणना होगी, इसमें अभी ना, और सिर्फ परिवार में जो कुल सदस्य है इसकी गणना होगी, जो आपका सिर्फ कितना सदस्य है और उस मकान का मुखिया कौन है। अभी जाति का कोई अभी गणना नहीं होने जा रहा है, जाति का गणना पुनः हम लोग दूसरे फेज में जब होगी, दूसरे चरण में, उस समय किया जाएगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग आज? आज हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो मकान सूचीकरण हम लोग कैसे करें। किनको दे रहे हैं? प्रगणक को और पर्यवेक्षक को। किस कौन से स्कूल से आए हैं मतलब? ये लोग हैं दो पंचायत के हैं, ये है रसलपुर ग्राम पंचायत राज रसलपुर और ग्राम पंचायत राज घोसरामा के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान, मास्टर ट्रेनर आयक। एक ही दिन का है? जी एक दिन का। दरभंगा का जिला स्थापना दिवस है, क्या शुभकामना देंगे लोगों को? दरभंगा के सभी वासियों को सर्वप्रथम इस दरभंगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा हायाघाट के जो भी हमारे वासी हैं उनको यहाँ का अंचल अधिकारी होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो आने वाला साल है वो साल सभी के लिए मंगलमय हो और सभी अपने अपने जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़ें और सही रास्ते पर आगे बढ़ें। कल नया साल है, उसको लेकर कोई लॉ एंड ऑर्डर भी आप लोगों को देखना है या ऐसी कोई? जी, नए साल के उपलक्ष्य में यही ध्यान रखना है, और थाना प्रभारी को भी, ये दोनों थाना प्रभारी को खासकर बोला गया है आपके हायाघाट और एसडीएम पे, कि किसी भी तरह के कानून व्यवस्था को किसी भी तरह का जो कानून व्यवस्था है उसको हर हाल में संधारित करना है, और किसी भी प्रकार का जो अनैतिक कार्य है उसमें नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी करनी है। थैंक यू सर। वासियों को स्थापना दिवस, जिला के स्थापना दिवस एवं नव वर्ष दोनों की शुभकामनाएं हैं। जिला का 149वां स्थापना वर्ष है और धीरे धीरे जिला प्रगति की ओर बढ़ा ही है। जिले में तमाम संसाधन बढ़े हैं, आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि हुई है, तो सभी जिलावासियों से यही आग्रह और अपील है कि वो प्रशासन के साथ सहयोग करें और सहयोग से ही जो है विकास बेहतर होगा और सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नया साल है जैसे कल, तो कोई ऐसा लाइन ऑर्डर का भी कोई आप लोगों को निर्देश आया है क्या, देखना है या फिर क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मतलब कोई सूचना नहीं है। क्या संदेश क्या देंगे सर, खासकर लोग 31st के नाइट में ज़्यादा पार्टी में घुल मिल जाते हैं, तो संदेश क्या देंगे खासकर? संदेश यही है कि अच्छे से लोग नववर्ष का स्वागत करें और शांतिपूर्ण तरीके से नए वर्ष का नए वर्ष में प्रवेश करें और संकल्प लें कि वो नव वर्ष में आदर्श नागरिक की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करेंगे। क्या शुभकामना देंगे? जी, आज दरभंगा जिला के 149वां स्थापना दिवस है, उसकी सारी पूरे दरभंगा जिला वासियों को शुभकामनाएं हैं मेरी, और कल नया साल आने वाला 2023 उसका भी मेरे पंचायत प्रखंड जिला के सभी एवं पत्रकार महोदय को भी हार्दिक प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ब्लॉक सीओ साहब सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष मंगलमय हो 2023। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद अफरोज। आप कहाँ के मुखिया हैं? कुसमा पंचायत प्रखंड हायागढ़ दरभंगा।
तो क्या कहेंगे जी? आज वीडियो मानकन उच्च विद्यालय में जो है जाति जनगणना का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, उसमें हायाघाट के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया है, सब उत्साहित हैं। अब हम लोग इस क्रम में जो है आगामी वर्ष में इस पर कार्य करेंगे, हम लोग दिन रात एक कर देंगे। ये देश में जो है बिहार पहला राज्य है जो जाति जनगणना अपने कोष से करवा रही है, इसके लिए हम लोग पूरे बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगे और प्रयास रहेगा कि हम लोग का जो है बिहार इस चीज़ में नंबर वन। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव पासवान। कौन हुए? उत्कर्मित पंत विद्यालय सीएससी कुल स्नातक शिक्षक। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि बिहार प्रथम राज्य ऐसा होता पूर्वक हम लोग जाति गणना को निश्चित कर ले, बिल्कुल उसका जो भी डेटा आता है अच्छे से और सही रूप में उसकी जानकारी लेके अगर हम लोग बिहार सरकार के पास पहुँचा पाते हैं, ये बहुत बड़ी सफलता होगी पूरे देश के लिए और सीखने वाली बात भी होगी देश के लिए, क्योंकि और कहीं अब तक हुआ भी नहीं। और जैसा कि आप लोगों को पता है जो कास्ट जो सर एक सुने आप ठीक है, वहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया ना वार्ड का 00 जैसे एक मिला था एक मिनट देना बताओ, पंचायत का कर लिए हैं, पंचायत का कोड कितना हुआ? हम देंगे उसका कोड दिया हुआ है और 00 छोड़ कर दीजिएगा, 6 है इसका। हाँ 005 और 006 दक्षिणी का हो गया, 005 और उत्तरी का हो गया 006। ये इतना क्लियर हो गया सर? वार्ड जिस वार्ड में हम गए हैं, जिस वार्ड का हमको गणना मिल रहा है, उसमें अगर एक का मिल रहा है तो यहाँ पर कर दीजिएगा 001। चार अब आइए गणना ब्लॉक, एक मिनट सुनिए सर, ये दक्षिणी का हो गया, ये दक्षिणी का हो गया, यार तीन अंक तो है इसका पंचायत का, तो चार हुआ था, 005 कर दीजिए और ये उत्तरी का है, उसमें क्या कीजिएगा कि नगर को काट दीजिएगा, प्रखंड ही रहने दीजिएगा, इसको जाना 010 लिखिएगा, तीन अंक में है, तीन अंक में लिखिएगा। पंचायत का हो गया, पंचायत का नाम तो यहाँ पर दो ठो है, मल्लीपट्टी उत्तरी, मल्लीपट्टी दक्षिणी, तो दोनों का कोड अलग अलग है, एक मिनट रुक जाते हैं। 5005 कलम से बनाना होता है, और किस मकान के लिए हम लोग कैसा नक्शा बनाएंगे, साक्षर होगा, प्रमाणक द्वारा तैयार किए गए गणना चित्र के नक्शा की जांच करना। अब देखा जाए सर, इसमें नक्शा भी बनाना, आपके प्रगनक ने जो कर दिया उसे आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, आपको क्रॉस चेक भी करना है। यदि मान लिया जाए कोई यदि छूट गया उसके बारे में क्या प्रावधान है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमाणक द्वारा भरे हुए प्रपत्र की जांच कर सत्यापित करना, जितने भी सुपरवाइजर हैं जो आपको प्रगनक ने भर करके दिया उसका उत्तरदायित्व है, यहाँ पे हम समझते हैं दो ही आदमी हैं, तो पर्यवेक्षकों का जो उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया वह इस प्रकार, पर्यवेक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रमाणकों के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रमाणकों को इस प्रकार मदद कार्य निर्धारित निर्देशों के अनुसूची के अनुसार संपन्न हो सके। कोड मोबाइल ऐप और प्रपत्र में भरा जा रहा है वह सही है अथवा नहीं, गणना कार्य समाप्त होने के उपरांत पोर्टल तो समझ में आ गया बात, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नहीं अभी आप कोई प्लान से भरना, उसके लिए काला पेन से आपको भरना है। फॉर्म जो मिलेगा आपको काला पेन से ही भर रहा, हो सकता है काला पेन मिलेगा भी। छाट दिया आपको, संभाल कर रहे हैं कौन चारों आपका फोटो नेशनल लिया ना, फोन कीजिए ना।